डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन प्राप्त की थी तथा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मैट्रिक्स के अंदर कुछ नए टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। आपके सामने सबसे पहला टॉपिक है आज का, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। आप दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कह पाएंगे, या दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उससे आप कौन से रिजल्ट निकाल पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 है। क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कह पाते हैं क्या? तो कोई भी दो मैट्रिक्स को इक्वल हम तभी कह पाएंगे, उसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप यहां देख रहे हैं दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है। और सेकंड कंडीशन, उनके करेस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं इनके करेस्पोंडिंग एलिमेंट यहां 2 है, तो इस मैट्रिक्स में भी यहां 2 है। इस पोजीशन पर 3 है, यहां भी 3 है। इस पोजीशन पर 4 है, यहां भी 4 है। और यहां 5 है, यहां भी 5 है। तो आप देख रहे हैं इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है और करेस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल है, इसलिए मैं इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कह पाऊंगा। इसका मतलब टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ, पहली कंडीशन है दियर ऑर्डर आर सेम, करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होगी तो उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और उनके करेस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो एग्जांपल के लिए देखते हैं क्वेश्चन, इफ सी इज इक्वल टू डी। सी मैट्रिक्स आपके पास में है ए बी एक्स वाई इज इक्वल टू 4-5, 3, 2। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब आप इनके करेस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, एक्स की वैल्यू आएगी 3 और वाई की वैल्यू क्या आएगी 2। तो अगर क्वेश्चन के अंदर दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन लगा है तो आप करेस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल लिख सकते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। इफ के प्लस 4 माइनस 1 3 के माइनस 6 इज इक्वल टू ए माइनस 1 3 माइनस 4, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। आपको क्वेश्चन के अंदर ये दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करने का बोला हुआ है यहां पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा, आपको करेस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल करने हैं। तो आप देख रहे हैं 1-1 वाली पोजीशन के एलिमेंट को दूसरी मैट्रिक्स के 1-1 वाली पोजीशन के एलिमेंट के साथ में इक्वल करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी के प्लस 4। अब के भी अननोन है, के की वैल्यू निकालने के लिए आप इन दो पोजीशन के एलिमेंट को आप इक्वल रख सकते हैं। तो के -6 इज इक्वल टू -4, के इज इक्वल टू 6-4, के इज इक्वल टू 2। यहां पर के की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे 2 तो ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 6। वापिस देखिए बेटा एक बार टॉपिक,
इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिस। दो मैट्रिस अगर इक्वल होती है तो आप उससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, दो मैट्रिस अगर इक्वल होती है तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो आप पहली मैट्रिस के जो एलिमेंट है उसके करेस्पॉन्डिंग जो सेकेंड मैट्रिस में एलिमेंट है करेस्पॉन्डिंग, उन दोनों को आप इक्वल रखकर अननोन वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक जनरल क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स में सिक्स एलिमेंट है तो इस मैट्रिक्स के क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अगर इस मैट्रिक्स में छह एलिमेंट है तो इसके हम पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है यहाँ पर। तो हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मैट्रिक्स में एक रो भी हो सकती है, कितने भी कॉलम हो सकते हैं, एक कॉलम हो सकता है, कितनी भी रो हो सकती है, और नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स में m क्रॉस n, अगर m रो होती है n कॉलम होते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसी मैट्रिक्स में m मल्टीप्लाई बाई n होते हैं। तो हमारे यहाँ पर मैट्रिक्स में सिक्स एलिमेंट दे रखे हैं तो इस मैट्रिक्स में का पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, इसके लिए आप इसे कैसे लिख सकते हैं। अगर आप एक रो लेंगे तो सिक्स कॉलम आपको रखने पड़ेंगे, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आएगा। इसी तरह से अगर आप टू रो रखेंगे तो कॉलम आपको तीन रखने पड़ेंगे, तभी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सिक्स होंगे। इसका उल्टा कर लीजिए, आप अगर सिक्स रो रख रहे हैं तो कॉलम कितने रखने पड़ेंगे, एक। आप अगर तीन रो रख रहे हैं तो आपको कॉलम कितने रखने पड़ेंगे, टू। आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आएगा, सिक्स आएगा, सिक्स आएगा, सिक्स आएगा। इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में छह एलिमेंट होते हैं तो उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर ये चार पॉसिबिलिटी हो सकती। इस तरह के कुछ और क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, अब आप उन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। अब हम मैट्रिक्स का मेन टॉपिक देखते हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ऑपरेशन क्या क्या पॉसिबल है, जैसे ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे कॉमन मैथ्स के अंदर हम नंबर्स को ऐड करते हैं, एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या एक नंबर में दूसरे नंबर का डिवाइड करते हैं, ये जनरल मैथ में ये बेसिक ऑपरेशन होते हैं। ऐसे ही कुछ ऑपरेशन हम मैट्रिक्स के साथ भी कर सकते हैं कुछ शर्तों के साथ में। तो मैट्रिक्स में एडिशन पॉसिबल है, एक मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर सकते हैं। मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। डिवीजन ऑपरेशन दो मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं है। तो हमें इस टॉपिक के अंदर दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन
भी हम इसी टॉपिक के अंतर्गत हम सीखेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आपके सामने दो मैट्रिक्स है, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सर, दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम। दो अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स को ऐड नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले ये देखिए, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3, दूसरी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2x3। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को अब हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। तो 2 1 के साथ ऐड होगा तो 3, 3 2 के साथ ऐड होगा तो 5, 4 3 के साथ ऐड होगा 7, 3 4 के साथ ऐड होगा 7, 4 5 के साथ ऐड होगा 9, 5 6 के साथ ऐड होगा 11। तो आप देख रहे हैं दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए आपको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। एडिशन तभी पॉसिबल है व्हेन ऑर्डर्स आर सेम। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर जब सेम होगा तभी आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे। ऐड करने के लिए आपको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन का भी टॉपिक आप देख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम कंडीशन है, एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट आप तभी कर पाएंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो हम ए माइनस बी कैलकुलेट कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन करना है। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 आएगा, 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 आएगा, 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 आएगा। तो आप देख रहे हैं मैट्रिक्स का एडिशन और मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है। आपको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। एडिशन में आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्शन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। तीसरा टॉपिक हम देखते हैं, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे होता है। स्केलर का मतलब होता है कोई कांस्टेंट या किसी नंबर से आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, अगर आपने इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे यहाँ 2 है तो इस 2 को इस मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह कोई अगर कांस्टेंट हो के आप इस मैट्रिक्स ए को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो थर्ड टॉपिक भी ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स बहुत इजी है। किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम डिटेल से देखेंगे। वो देखने से पहले एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं कि जब आप मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। नेक्स्ट टॉपिक प्लीज। मैट्रिक्स एडिशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर आप ए मैट्रिक्स में बी को ऐड करो या आप बी में ए को ऐड करो, एक ही बात है, सेम रिजल्ट आएगा। जैसे हम सिंपल ऐड करते हैं, 2 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 5 आता है, और अगर हम 3 में 2 ऐड करते हैं तब भी हमें रिजल्ट 5 मिलता है। इसलिए ये जो लॉ है इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव लॉ का को फॉलो करता है। पहली मैट्रिक्स में दूसरी को ऐड करो या दूसरी में पहली को ऐड करो, एडिशन करते हुए आप जो है मैट्रिक्स को इंटरचेंज करोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। आपके सामने दो मैट्रिक्स है ए और बी। सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालते हैं, इसका मतलब ए आपके पास में ये है, इसमें बी को ऐड करना है। तो जब आप ए प्लस बी निकालेंगे क्या आएगा, करेस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करना है, 0 प्लस 5 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5। अब हम b प्लस ए करके देखते हैं, -1 + 1 0, 5 + 0 5, 1 + 2 3, 2 + 3 5। आप देख रहे हैं ये दोनों रिजल्ट सेम हैं। तो दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है, चाहे आप ए में बी ऐड करो या बी में ऐड करो, एक ही बात है। सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं मैट्रिक्स एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है एसोसिएटिविटी में हमेशा आपको तीन मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, तीन या तीन से ज्यादा लोगे तो। इसका यह मतलब है आप पहली दो को ऐड करो जो रिजल्ट आए उसमें थर्ड को ऐड करो, या आप बाद वाली दो मैट्रिक्स को ऐड करो जो रिजल्ट आए वो फर्स्ट में ऐड करो। बहुत सिंपल है, जैसे आपने ऊपर किया वैसे या भी यहां भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं। एसोसिएटिव का मतलब होता है हमारे पास में अगर तीन मैट्रिक्स है तो आप शुरू की दो मैट्रिक्स को ऐड करो जो रिजल्ट आए उसमें थर्ड को ऐड करो, या बाद वाली दो मैट्रिक्स को ऐड करो जो रिजल्ट आए उसमें फर्स्ट को ऐड करो तो सेम रिजल्ट मिलेगा। ये हम सिंपल भी मैथ में देख सकते हैं। तो हम जब 2 और 3
को ऐड करते हैं तो 5 आता है, 5 में 4 को ऐड करते हैं तो 9 आता है। सेम अगर हम 3 में 4 को ऐड करें तो 7 आएगा, 2 प्लस 7 क्या होगा, 9 होगा। सेम रिजल्ट, सेम टू सेम ये लो मैट्रिक्स के ऊपर भी फॉलो होगा। थर्ड हम देखते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए एक एडिटिव आइडेंटिटी आप निकाल सकते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है वो देखते हैं। अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स ए लूं तो मैं यहां पर क्या ऐड करूं ताकि मुझे वापस वही मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाए, तो जो मैट्रिक्स यहां आएगी उसी मैट्रिक्स को इस ए मैट्रिक्स का क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो अगर मैं ए मैट्रिक्स अगर 2, 3, 4, 5 लूं और मुझे रिजल्ट में भी 2, 3, 4, 5 ही चाहिए, इसका मतलब मैं यहां कौन सी मैट्रिक्स लूं ताकि मुझे सेम रिजल्ट मिले ऐड करने पर, तो निश्चित रूप से मुझे यहां पर एक जीरो मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहां पर इसी ऑर्डर की एक जीरो मैट्रिक्स लेता हूं तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा, 2+0 2, 3+0 3, 4+0 4, 5+0 5। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, उसी ऑर्डर की एक नल मैट्रिक्स होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 1, 2, 3। इस मैट्रिक्स की आपको एडिटिव आइडेंटिटी निकालनी है, तो इस मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, इसी ऑर्डर की एक नल मैट्रिक्स होगी। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2×3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×3 है, तो ये 2×3 की नल मैट्रिक्स ही इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। तो जैसे हम सिंपल मैथ में हम देखते हैं कि 2 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, तो 2 में मैं क्या ऐड करूं कि 2 ही आ जाए, तो अगर मैं 2 में 0 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। तो वापिस देखिए एक बार, किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी उसी ऑर्डर की एक नल मैट्रिक्स होती है। अगर ए का ऑर्डर 5×3 है तो O का भी ऑर्डर क्या होगा, 5×3। अगर A का ऑर्डर 2×3 है तो O का भी ऑर्डर क्या होगा, 2×3। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसी गिवन मैट्रिक्स के उसी ऑर्डर की एक नल मैट्रिक्स होती है। हम करना क्या चाह रहे हैं, किसी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें ताकि हमारे को वही मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाए, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम इस मैट्रिक्स में इसी ऑर्डर की एक नल मैट्रिक्स ऐड करें, तभी हमें रिजल्ट वो ही मिलेगा। यहाँ ए का ऑर्डर 2×2 है और हमारे को एक 2×2 का ही वापिस ए चाहिए, तो हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर 2×2 की एक नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो किसी गिवन मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या होगा देखते हैं इसको। किसी मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं ताकि मुझे रिजल्ट जो है एक नल मैट्रिक्स मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए मेरे पास में यह मैट्रिक्स है,
तो मैं यहाँ पर क्या ऐड करूँ ताकि मुझे एक नल मैट्रिक्स मिले। तो मुझे यहाँ पर जीरो चाहिए, इसका मतलब मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ मुझे माइनस टू लिखना पड़ेगा। यहाँ भी मुझे जीरो चाहिए ऐड करने पर, तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस थ्री लिखना पड़ेगा, माइनस फोर लिखना, माइनस फाइव लिखना। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स उसी ऑर्डर का एक नेगेटिव मैट्रिक्स होगा, उसी ऑर्डर का क्या होगा, एक नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। क्योंकि किसी मैट्रिक्स में मैं अगर उसका नेगेटिव करके अगर मैं ऐड करूंगा तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक नल मैट्रिक्स मिलेगी। तो देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है, इस मैट्रिक्स का आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस से होगा, क्या होगा, माइनस से। इस मैट्रिक्स को अगर आप माइनस ए माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अब अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एक नल मैट्रिक्स मिलेगी। तो किसी भी गिवन मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स उसी ऑर्डर का एक नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। हमने मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है, एक बार और देखते हैं। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब है कि आप ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमेशा तीन मैट्रिक्स ली जाती है, आप शुरू की दो मैट्रिक्स को ऐड करो जो रिजल्ट आए थर्ड में ऐड करो, या बाद वाली दो को ऐड करो जो रिजल्ट आए उसमें फर्स्ट को ऐड करो, तो एक ही बात है, सेम रिजल्ट मिलेगा, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिविटी। थर्ड है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें ताकि वही मैट्रिक्स हमें रिजल्ट में मिले। तो एडिटिव आइडेंटिटी, हम उस गिवन मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर की एक नल मैट्रिक्स को अगर ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट में वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो किसी भी मैट्रिक्स को का आपको अगर एडिटिव आइडेंटिटी निकालनी है तो उसी ऑर्डर की आपको एक नल मैट्रिक्स लिखनी है। फोर्थ है एडिटिव इनवर्स। किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसी ऑर्डर की एक नेगेटिव मैट्रिक्स होती है। क्योंकि एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें ताकि रिजल्ट में हमें एक नल मैट्रिक्स मिले। तो अगर हमें आउटपुट में अगर नल मैट्रिक्स चाहिए तो इस मैट्रिक्स में अगर मैं इसका नेगेटिव ऐड करूंगा तभी आउटपुट में क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगी। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपल डायरेक्ट लिखना है कि एक मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है, इसका आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो आपको क्या करना है, एक के आगे माइनस का साइन लगा देना है। और अभी हमने एक ऑपरेशन देखा था, मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट मैट्रिक्स ईच एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर आप यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का क्या है, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन देखते हैं, हम इजी क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस क्वेश्चन से अपने तीन टॉपिक कवर होंगे। एक टॉपिक किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना, दो मैट्रिक्स का ऐड करना, और इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स।
तो जब हम दो मैट्रिक्स के इक्वालिटी का रूल अप्लाई करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू अपन फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले इस टू को एक पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इन दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो 2 प्लस वाई 6 1 2 एक्स प्लस 2 5 6 1 8। अब इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से हम इन दोनों पोजीशन को इक्वेट कर सकते हैं, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से x कैलकुलेट करने के लिए आप इन दो पोजीशन के एलिमेंट को इक्वल रखोगे, तो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 3। तो इस तरह से के सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ए प्लस बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको ए और बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल दो इक्वेशनों को सॉल्व करने जैसा क्वेश्चन है, आपने छोटी क्लासों में ऐसा पढ़ रखा है। अगर आपके पास में ऐसी दो इक्वेशन होती है तो आप सिंपल दो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करते हैं, एड करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, और x की वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। सेम टू सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को एड कर लीजिए, तो एडिंग 1 एंड 2। तो a में a को एड करेंगे तो क्या आएगा 2, बी में माइनस बी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। ऐड कर लीजिए इधर भी 0 2 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 0 3। तो 2a इज इक्वल टू -3 प्लस -7 प्लस 3 माइनस का 4 माइनस का 2 2 माइनस का 4। तो अब आपको a की वैल्यू निकालनी है तो 2 को आप डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दीजिए। अब आप इस मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो इसको माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, -2 -1 1 -1। तो इस तरह से हमें ए मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गई है। अब इस ए मैट्रिक्स को आप 1 में पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, -2 -1 1 -1 प्लस b इज इक्वल टू -7 0 2 -5। तो b इज इक्वल टू -7 0 2 -5। इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या आएगा, इस मैट्रिक्स के आगे प्लस का साइन है, इधर आएगा माइनस का साइन। अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो -7 है, -2 हो जाएगा, तो यहां बचेगा -5। -+0 1 बचेगा, 2 -1 1 बचेगा, -5 -±+ तो -5।